मा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट जहाँ पे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजिन, और जैसे आप जगह देख रहे हो वर्सोवा बीच को लगकर है, जैसे चेरी ऑन द केक आई कैन से दैट, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट रखा लाइव सिंगिंग का, जैसे आप देख रहे हो पीछे चल ही रहा है, प्लस वी हैव अ डीजे एंड प्लस वी हैव द मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। सो लोग जहाँ पे आने वाले हैं उनकी एक मेंटेलिटी को सोच के हमने रखा है, वी हैव किड्स फ्रेंडली रेस्टोरेंट जहाँ पे हम बच्चे को अलाउड करते हैं, जहाँ पे हम फैमिलीज को अलाउड करते हैं, जहाँ पे हर एक टाइप के लोग यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं अपने आप को। एंड वी आर ओपन फ्रॉम 1 इन द आफ्टरनून टिल मिडनाइट लेट नाइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेनू में यहाँ पे बहुत अच्छा रखा है, यहाँ पे मैंने मेनू बहुत पॉकेट फ्रेंडली रखा है। पॉकेट फ्रेंडली का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कॉलेज क्राउड हो या फिर लाइक यू नो यंगस्टर हो हु आर थिंकिंग ट्वाइस टू स्पेंड द मनी, इवन दे कैन कम एंड एंजॉय विद द पेरेंट्स विद द गर्ल और विद द एनीवन गाइस ओवर हियर। तो यहाँ पे आने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कुछ ज्यादा स्पेंड हो जाएगा या फिर हम किसी चीज में रोक सकते हैं। यहाँ पे it is very happening atmosphere basically, and if you see, you can say it's one of my best friend, brother, anything. So he has opened this on the 5th of November, and after COVID something has been opened. It is very good, and certainly as Mr. Nicholas told that it is what you call budgeted, means anybody can come here. Yes. Because they don't have to care about the menu price, so that is the biggest thing. Thanks. Next. बहुत ही यूनाइटेड टीम है ये, बहुत बढ़िया, और ब्लू ऑक्टिन को इसलिए शुभकामनाएं क्योंकि निखिल भाई जो है वो हमारे पुराने मित्र हैं, और इनके द्वारा मैं इन सब हमारे सीनियर्स सभी दमदार दोस्तों से मिलाऊँ, कुशल भाई से, मंसूर भाई से, और विराज भाई से, और रॉनी जी तो खैर हमारे उस्ताद है, गुरु हैं। तो इस महफिल में आने का मुझे सौभाग्य मिला है, थैंक यू सर, और मैं हमेशा आना चाहूँगा, विद फैमिली भी आना चाहूँगा, और दोस्तों के साथ तो आता ही रहता हूँ मैं यहाँ पर। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है क्योंकि जैसा कि निखिल जी ने बताया ये मुंबई की जान है वर्सोवा, करेक्ट, यारी रोड जिसे कह सकते हैं, यारी सबकी यारी, जहाँ यारी दोस्ती वाली बात आ जाती है, यारी रोड वाली बात आ जाती है, तो फिर यारी सेलिब्रेट करने के लिए ब्लू ऑक्टेन से अच्छी जगह मुझे कहीं मिलेगी। थैंक यू। तो सभी से निवेदन है, जैसा कि निखिल जी ने बताया बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। yes. आप कितनी अच्छी बात है कि पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं, वेज नॉन वेज जो आप खाना पीना चाहे, हर तरह के सेक्शन बने हुए हैं, बच्चों को हर्ट ना करे ऐसा सेक्शन भी बना हुआ है, बड़ों को हर्ट ना करे ऐसा सेक्शन बना, सबकी प्राइवेसी है, और लाइटिंग अरेंजमेंट म्यूज़िक सब कुछ यहाँ पर ऐसा है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि शुरुआत कब हुई, कब 3-4 बज गए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये फैमिली इवनिंग के लिए बेस्ट जगह है, सो ऑल द बेस्ट ब्लू ऑप्टिम को। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू, थैंक यू मीडिया। यस मंसूर जी, हमने 2008 में जगह चालू करने का प्लानिंग किया था, तो हमारा जो जू पे ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट था, कुछ कारणों से हमने रीलॉन्च वापस किया हुआ है, तो वी आर देयर इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स। एक नई जगह कॉलेज डेज में एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट किया था हमने, जब हम लोग कॉलेज में थे तब से फिर आगे मंसूर। तो एक नॉर्मल हम लोग के पास टेरेस है, रूफटॉप है, स्मोकिंग एरिया, नॉन स्मोकिंग एरिया है, एक बुटीक स्मॉल रेस्टोरेंट जहाँ सबके लिए फैमिली नॉन फैमिली एवरी वन कैन कम एंड हैव अ प्रॉपर डिनर विथ म्यूजिक एंड ऑल। ये वीकेंड में 2 बार होगा। यस सर, जैसे कि पहली बात मैं देख रहा हूँ कि 15-20 डेज पहले जगह ओपन किया था हमने और लॉन्चिंग आज कर रहा हूँ, तो खुलते ही हमारे पास 7-8 पार्टीज आ चुकी थी, तो दैट इज़ ऑन द चेरी ऑन द केक, क्योंकि कैसा था ना पीआर टीम हमारी प्लस हमारे ओनर्स प्लस उनके रिलेटिव्स, तो कॉन्टैक्ट के बेसिस पीपल आर वॉन्टेड टू कम एंड एंजॉय द प्लेस ओवर हियर। और मेन चीज़ क्या है ना सर कि आप रेस्टोरेंट कोई भी एवरी पर्सन कैन मेक अ रेस्टोरेंट, बट वो चलना उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है, और सारा चीज़ जो मतलब दिल की बात पेट से निकलती है, द फूड क्वालिटी ऑफ माई प्लेस इज एक्सेलेंट ओवर हियर गाइस। आप एक बार आइए, आप लोग को भी पार्टी में आइडिया आ जाएगा कैसा खाना है क्या नहीं है, एंड रेस्ट मतलब दे हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ओवर हियर, रन द प्लेस, एक विश्वास दिखाया हमें, तो इसको मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। और धीरज शेट्टी जी नेक्स्ट सवाल का जवाब आपके देंगे सर। नहीं जैसे कि आप
बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ दिख रहा है मेरी और किस फ्रेंड है और सब तरीके का लाइटिंग एंड बेस्ड रेस्टोरेंट, तो एंजॉय दर्शन। बहुत ही टेस्टी फूड है, मैं पिछली बार भी आया, दो बार आकर गया, खाना बहुत टेस्टी है। लेकिन मैं तो ड्रिंक नहीं लेता, लेकिन मेरे दो तीन दोस्त लोग आए थे तो उनको ड्रिंक भी इतना टेस्टी लगा कि वो गिरते उनको उठा के उनको गए नहीं, उनको ले जाना पड़ा। ये यहाँ की खासियत, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा ना कि बहुत पॉजिटिव वातावरण है, तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो और खाना बहुत टेस्टी है, वेज नॉन वेज, मैंने तो वेज खाया लेकिन नॉन वेज भी बहुत टेस्टी है, ऐसा मेरे उन दोस्तों ने बताया। और खाने का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए अच्छा रखा है क्योंकि कुशल जो हमारे बीच में है इज अ वेरी फूडी गाय एंड सर के टेस्ट के हिसाब से हर डिश को हमने रेक्टिफाई किया है। तो कुशल जी, इफ यू कैन से समथिंग। जैसे हम एक्सपेंस कहीं पे होटल में जाते हैं फैमिली के साथ कुछ खाने के लिए, तो हमको वैरायटी लगता है और क्वालिटी और क्वांटिटी। करेक्ट सर। तो इस पे कहीं हमने ये नहीं रखा है, कहीं पे कैप साइज नहीं रखा है, पेट भर खाओ, मजा करो और देखो। कंसेप्ट आप जैसे देखते हो कि एक लाइव कंसेप्ट रखा है, मिक्स मैच कंसेप्ट रखा है, कोई कॉमन नहीं फॉलो किया बाहर का या ऐसा कुछ। इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लेस और मैं सभी आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए। आई वुड स्पेशली थैंक मिस्टर मनीष पुरी, मनीष सावल, अनु अन्ना धीरज शेट्टी, सुनील पारजी, लॉनी भाई फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग गिविंग ब्लेसिंग्स ऑन दिस ओकेशन एंड आवर फर्स्ट बिग वेंचर दैट वी हैव स्टार्टेड एंड शॉर्टली वी विल अनाउंस आवर न्यू वेंचर ऑल्सो इन नेक्स्ट 15 विच विल बी हेल्ड बाय मिस्टर धीरज शेट्टी। सो आई विल रियली अप्रिशिएट योर कमिंग एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। ऑफिस जो मिनिमम वर्किंग टाइमिंग है दोपहर को 1 बजे से लेके जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो टाइमिंग है हमने उसी आपसे रखा है हमने। पर रेस्टोरेंट में भी शुरू होती है दोपहर को 1 बजे, तो हम दोपहर को किटी पार्टीज वगैरह लेते हैं। अब रही कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट जो बच्चा 2000 रुपया जेब में लेके आता है वो भी यहाँ पे अच्छे से खा पी के इंजॉय करके जा सकते हैं। सो आई एम ऑल्सो डूइंग फ्रेशर्स पार्टी इन द आफ्टरनून। 4 दिन पहले जैसे हेलोवीन नाइट थी, तो हमने रुतुमबरा मिट्टी भाई एंड द नरसिम्हाजी कॉलेज को इन्वाइट करके यहाँ पे एक इवेंट किया था, जहाँ पे 225 बच्चे आए थे। एक कॉन्सेप्ट रखा था 2000 कवर, जहाँ पे लोग आके 2000 फुल कवर यूटिलाइज कर सकते, खाने का नॉन अल्कोहलिक इन्वायरमेंट करके, मतलब हर चीज को काफी बारीकी से ध्यान रखा। और इसी तरीके से हम इसको और आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, आप लोग सभी का सपोर्ट जरूरी है। एंड मीडिया, थैंक यू मीडिया फॉर कमिंग, बिकॉज यू आर द पिलर फॉर दिस, आई कैन से दैट इवेंट, और आप ही हमको आगे लेके जाएंगे एंड हमेशा आप लोग खड़े रहे हमारे साथ। एंड थैंक यू फॉर कवरिंग माय ओनर्स। सर, वन क्वेश्चन सर, विल यू प्रेफर पीपल टू कम हियर? हाँ बिल्कुल आना चाहूँगा, हमेशा आता ही रहा हूँ, आगे भी आना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी जगह कि पहली बात तो दोस्तों की जगह है, दोस्तों के लिए बनी है, दोस्तों ने बनाई है, दोस्तों के लिए बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी ये यारी रोड के इसमें हमने पहली बार देखा। अगर आप अपने अंदाज में बोलना चाहोगे, रतन नूरा, हमारा नाम है रतन नूरा, न्यू अक्टून में आऊँगा पूरा के पूरा, क्योंकि इसके बिना हम हूँ अधूरा, और खाने पीने के बाद तो लगता हूँ सब कुछ पूरा। आई एम गिविंग माई ऑल द बेस्ट विशेज बिकॉज आई ट्रीट हिम एज माई फ्रेंड ब्रदर एज अ फैमिली मेम्बर किशन पुरी ओपन मैं लंदन में रहता हूँ पूरा स्टाफ के साथ, और आप भी थे, आपको तो मालूम होना चाहिए। दिवाली क्रिसमस मेरे पूरे स्टाफ के साथ भाग रहता हूँ, आइदर लंदन और यूरो, तो गॉड ग्रेस है। हाँ बिल्कुल, हम इसको और एक्सपेंशन करेंगे और काफ़ी हद तक ब्रांचेस अलग अलग एरिया में खोलने का फिलहाल तो पिछले 15 कमिंग 15 मंथ एंडिंग में हम लोग ऑलरेडी एक अनाउंस कर देंगे।
विच इज़ नियर बाय टू थाना हाईवे, तो भी काफ़ी जल्दी आपको इन्विटेशन आ जाएगा। सर कैसा है ना, जहाँ पे हमने कुछ सोचा, आई थिंक ओनली कस्टमर, गेस्ट सेटिस्फेक्शन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, आई कैन से दैट। आप कितना भी स्टडी कर लो, कितना भी एक्सपीरियंस लेके आइए, आप जब तक डिलीवर नहीं करोगे ना सर, वो चीज़ आपको रेक्टिफिकेशन नहीं होने वाली है। मैंने वही कहा कि दिल की बात पेट से निकलती है। यू गिव द फूड वेरी नाइसली, और सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस। मतलब मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखी है, किसी भी बंदे को 10 मिनट के ऊपर कोई हाथ ऊपर ना करे कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है। वी आर टेकिंग केयर स्पेशली फॉर दैट सर्विस, दैट इज द फास्टेस्ट सर्विस वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर मेरे लिए एक राजा भी गेस्ट है, और एक जो एक सर नॉर्मल प्लेटफॉर्म से आ रहा है वो भी गेस्ट है, तो मैंने किसी को लिए भेदभाव नहीं किया, हम सबको इक्वल बैलेंस पर रख रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग आई शुड से फ्रॉम कॉन्सिलर ब्लू ऑफिस। थैंक यू सर, थैंक यू।